गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन अ न्यू डे एंड अ न्यू ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सारे? तो आज हमें फिर से मौका मिला है ड्रेस पहनने का, मतलब जो हमारा एनसीसी का सेशन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, बट हमारे जो एएनओ सर है उन्होंने कहा है कि 30 जून तक हम एनसीसी कैडेट है। तो आज हम आए हैं अपने बटालियन ऑफिस में, अभी हमने थोड़ी सी सफाई की है। और आज मैंने ये ड्रेस क्यों पहनी है, क्योंकि आज रामपुर में है रेड क्रॉस मेला और उसके बारे में मुझे अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है। जब मैं जाऊंगी तब आप सबको बताऊंगी कि रेड क्रॉस मेले में क्या क्या होगा और हमारी कुछ एनसीसी कैडेट्स की अपनी एक्टिविटी है। तो यहाँ पर सारे बैनर तैयार कर रहे हैं और इसके बाद हम जाएंगे कॉलेज ग्राउंड। कॉलेज ग्राउंड में हो रहा है रेड क्रॉस मेला। तो ज़्यादा बात ना करते हुए ब्लॉग को शुरू करते हैं। ये बैनर हो गए हैं रेडी और ये जा रहे हैं अभी मेले के लिए। और ये टीओ साहब, इनका काम है सफाई करने का। क्या बोला तूने? ये भूल गए थे बट इन्हें याद आ गया है कि मेरा काम ही ये है। और ये हमारी अंडर ऑफिसर मीनाक्षी जी, हाय करो। हाय। और ये हमारे आने वाले SUO UO कुछ भी हो सकते हैं ये, और क्या पता ये भी सार्जेंट रह जाए। क्या पता कैडेट ही हो अभिषेक सर। तो गाइस ये लगा है गेट और अभी चीफ गेस्ट आने हैं 11 बजे और यहाँ से अंदर अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अब थोड़ा हमारे पास सामान है, इसको पहुंचाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ना। पर ये है स्टेज, यहाँ पर जो भी आ रही ना कल्चरल प्रोग्राम होंगे इस स्टेज पर नाइट। और ये बहुत सारे स्टॉल लगे हैं यहाँ पर, आर्मी वालों के, एनसीसी वालों के, कोई महिला मंडल वालों के, ग्राम पंचायत वालों के, अलग अलग विभाग है हमारे रामपुर में, उन सब के स्टॉल लगे हैं। और हम आपको बाद में दिखाएंगे किस किस चीज़ की जो भी प्रदर्शनी एग्जीबिशन हो रहे हैं वो सब हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो स्टॉल लगा है वो लगा है 19 ITBP वालों का, इनमें जो भी गन्स वगैरह है। उसके बाद लगा है NCC 8 HP बटालियन रामपुर शहर का स्टॉल, इनके हमारे एग्जीबिशन में मतलब जो भी NCC के बारे में बैनर्स लगी है, जो NCC की बेनिफिट्स है, NCC का वैल्यू है, इसका एम है, उन सब के बैनर लगे हैं। और नेक्स्ट लगा है वन विभाग हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर अलग अलग वैरायटीज़ के पौधे हैं जो हमारे हिमाचल में होते हैं और कुछ सामान है जो यूज़ किया जाता है फॉरेस्ट में, मतलब इसकी सेफ्टी के लिए, और कुछ बुक्स है। नेक्स्ट और लगा है ये कुछ रोड सेफ्टी पे लगा है ना, कुछ रोड सेफ्टी पर है कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाए, ओवरलोडिंग ना हो और फ़ोन में बात करते हुए गाड़ी ना चलाए ये। और
और नेक्स्ट है विकास खंड रामपुर आपका, ये किसका यार, ये भी जो एग्रीकल्चर कृषि विभाग वालों का है, जो एग्रीकल्चर में अलग अलग बीज बीज वगैरह है, जो दाल वगैरह के बीज है और जो पौधा वगैरह है और वेजिटेबल्स, उसका एग्जीबिशन लगा है जो हिमाचल में वेजिटेबल होते हैं। ITPP के और ये मैदान की सुसज्जा और तमाम कोई महिला मंडल के छात्रों के माध्यम से आपके स्कूलों के और बहुत सारे एग्जीबिशन है, मैं आपको भी पारंपरिक व्यंजन दो दिन का होने वाले कल कल के माध्यम से कोई पता नहीं, और आज जो भी मैदान में सुसज्जित थे आपको अच्छी लगी शेयर करें और चैनल को परिचय करवाएंगे। इस मेले में और भी बहुत कुछ था, जैसे रस्साकसी हो गई और वॉलीबॉल के मैच, और यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा था, और भी बहुत सारे अट्रैक्शंस थी, मतलब जो भी चीज़ें हैं जिससे हमारे रामपुर की डेवलपमेंट हो रही है वो सब था इस मेले में। आगे
विकास परियोजना आज को ब्लॉगिंग खत्म करते हैं। ओके बाय।